यदि आपने भी काफी समय पहले जियो का फोन लिया था, और जियो का फोन लिया था तो आप सभी को पता है कि जियो का फोन आप लेते हो तो उसके साथ सिम एक्टिव होकर आपको मिलता है जियो की, ठीक है। अब बात ये आती है कि जियो फोन एकदम से भंगार हो चुका, आप उसे यूज नहीं करते और आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप उस स्मार्टफोन पे जियो की सिम डालना चाहते हैं और उससे आप अपने स्मार्टफोन पे चलाना चाहते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप जियो का सिम अपने स्मार्टफोन पे डालते हो तो भाई नेटवर्क वगैरह सब कुछ आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे इंटरनेट वाला, क्योंकि आपका जो इंटरनेट चलता है जियो के फोन पे चलता है, आप जियो के फोन पे आपने सिम एक्टिवेट किया था तो वहां पे धकाधक इंटरनेट चलता है, लेकिन जैसे ही आप अपने उस सिम को अपने स्मार्टफोन पे डाल लेते हो उसके बाद नेट यूज करते हो तो आपका नेट बिल्कुल से स्मार्टफोन पे नहीं चलता। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। वैसे कुछ है नहीं, बस आपकी सिर्फ क्लास तक दे लेना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इसके लिए आपको करना है कि आप जियो फोन की सिम को अपने स्मार्टफोन पे डालना है और अपने स्मार्टफोन पे उसी सिम से इंटरनेट या कॉलिंग वगैरह सब कुछ यूज करना है, आप जियो फोन को साइन में करना चाहते हैं तो गाइस बिल्कुल से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस और बस आपको पैसे खर्च करना है, पैसे फालतू में नहीं खर्च करना है, बस आपको उस पर रिचार्ज करना है। आप अपने जियो के फोन पे रिचार्ज कराते थे तो आपको उसके प्लान्स काफी सस्ते मिलते हैं। स्मार्टफोन के जो प्लान्स आते हैं और जियो के फोन के जो प्लान्स आते हैं उसमें काफी अंतर रहता है, 50, 60, 70, 100 रुपए तक का अंतर रहता है। इसके लिए बस आपको करना क्या है, आप फोन की सिम को अपने स्मार्टफोन पे चलाना है तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन वाला रिचार्ज प्लान कराना होगा। और जैसे आप स्मार्टफोन वाला प्लान रिचार्ज करा लेते हो अपने उस नंबर पे, वही सिम जो आपका जियो फोन पे चलती थी वो अब आपके स्मार्टफोन के लिए तैयार हो जाती है और डायरेक्टली आप अपने स्मार्टफोन पे जियो फोन की सिम को आप यूज कर सकते हो। ज्यादा वीडियो बड़ी बनाने की जरूरत है नहीं, जो डिटेल मैंने आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।